को? यहाँ पे हमने पम्पकिन का फसल लिया था, जिसको हम यहाँ स्थानीय भाषा में कोड़े बोलते हैं और हिंदी भाषा में इसको कद्दू बोलते हैं। कद्दू लगाए थे यहाँ पे। ये कद्दू हमें 15 अप्रैल को लगाया था, अगस्त के मिड अगस्त में इसका पूरा हार्वेस्टिंग हो गया। 8 टन इसका प्रति एकड़ एवरेज मिला, जो कि हमारी अपेक्षा से 4 टन कम मिला। उसका रीज़न ये था कि हमारे यहाँ हैवी रेनफॉल हुआ और अभी तक 1200 mm बारिश यहाँ पे हो चुकी है, जबकि 1000 एवरेज बारिश है, यानी उससे अभी हमारे यहाँ 20% बारिश ज़्यादा हो चुकी है। वो भी रीज़न था कि वो 4 टन कद्दू ज़मीन पे रहने के वजह से डैमेज हुए। इस तरह से 8 टन मिला, लेकिन डैमेज होने के बावजूद हमें दाम मिल गए उसके, तो वो 20 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक के दाम मिले। अगर हम 15 रुपये किलो का भी एवरेज अगर ध्यान में लेते हैं तो हमें उसकी अच्छी उपज मिल गई। करीब 1,20,000 का कद्दू हुआ, उसमें 30% का खर्चा हुआ, यानी नियर अबाउट 40,000 रुपये खर्च हुआ। प्रति एकड़ 80,000 रुपये हमने कद्दू से मुनाफा अर्जित किया। अब कद्दू की फसल समाप्त हो जाने के बाद मुझे यहाँ इमीडिएट एक्शन लेना है। मुझे यहाँ पे धनिया लगाना है, पालक लगाना है, टमाटर लगाना है, बैंगन लगाना है, मूली लगानी है, क्योंकि ये मेज़र में हमने 7 एकड़ में लगाया था, हमारा अपना 20 था। तो अब मुझे विभिन्न फसलें लगाना है, तो मैं इसमें अब मुझे ज़मीन तैयार करना है बैलों से ज़मीन तैयार करना है, तो इसका कचरा तकलीफ देगा। तो हम लोग अभी ये पूरा कचरा काटने का एक्शन ले रहे हैं कि पूरा कचरा काट के इसके जगह जगह इसको साफ़ कर दे रहे हैं। ये साफ़ हो जाने के बाद हम लोग इसमें प्लाउ चलाते हैं सिंगल डबल, और वो ज़मीन तैयार करने के बाद फिर यहाँ पे फसलें बोई जाती है। ये सारे ढीग हम लोग एक हमारा बैंक डिपॉजिट बोल के इसके बड़े बड़े ढीग मार के इसका कलेक्शन कर लेते हैं, और फिर बाद में हम लोग यहाँ ज़मीन की जुताई करके ज़मीन तैयार करके फिर बारिश का सीज़न हो तो सीधे कैरिया बनाते हैं। बारिश समाप्त हो जाता है अक्टूबर के बाद, पूरी टोटली कंटूर फार्मिंग होती है। वो कंटूर फार्मिंग अक्टूबर के बाद स्टार्ट कर, क्योंकि हमारी ये अगस्त के लास्ट में ज़मीन तैयार हो गई। आज करीब 24 अगस्त का दिन है, तो 24 अगस्त को अभी तो बारिश और एक महीना चलेगी, तो हम लोग यहाँ स्ट्रेट कैरियाँ बनाएंगे। इस तरह से अब ये कद्दू में यहाँ से वहाँ तक की दूरी 15 फीट है, ये पूरा कवर्ड हो गया था, हमने लास्ट इसमें देखा था। तो इस तरह से अब ये ज़मीन तैयार करने का काम चल रहा है हमारा। देखिए, यहाँ का कचरा काट के अब हम लोगों ने जैसे वहाँ ढीग हो रहे हैं, उन ढीगों को कलेक्शन करके, वो देखिए वो एक ढीग आपको दिख रहा है, वो बैंक बैलेंस है हमारा। वो ढीग अभी डाल दिया हमने, क्योंकि बरसात है इसलिए हम वो कचरा जमा कर लेते हैं। कचरा जमा करने के बाद मार्च अप्रैल में फिर से उसको यहाँ जहाँ से उठाया है वहाँ फिर से डालते हैं। तो इसका इतना बड़ा बायोमास हम फिर से ज़मीन में डाल के सॉइल को फर्टिलिटी में कन्वर्ट करते हैं। यानी पहले क्या हुआ, पहले इस फसल की पूरे पत्ते यहाँ पे गिर गए, पत्तों की तादाद बहुत बड़ी थी उसकी लीफ की। अब वो लीफ गिरने के बाद अब आप ये देख रहे हो कि इसका पूरा ये बायोमास, अब ये हल चला रहे हैं तो ये पूरे ज़मीन पे एक लेयर बना हुआ है इसका, ये पूरा ये ग्रीन भी दिख रहा है। तो ये जब इसके बाद में हम जुताई करते हैं, ये तो पूरा इसमें मिल जाता है। इस तरह से ये बायोमास इसमें मिल गया, तो ये काफ़ी बड़ा लेयर होता है, क्योंकि ये सड़ते जा रहा है, मिलते जा रहा है। तो फसलों के अवशेष ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ज़मीन में मिलाने का काम करते हैं, ये मिला देने का। अब ये कचरा जमा हो जाने के बाद हम लोगों ने काम क्या किया, ये हल चलाने का काम किया। ये हल से अब ये ज़मीन तैयार होने का काम चल रहा है। ये ज़मीन तैयार हो जाएगी, इसके बाद में इसमें क्यारियाँ बनेगी। अब वो इतना नर्म है क्योंकि इसमें इतना बायोमास, इतना ये जीवों की डेड बॉडी मिली है कि ज़मीन ये सख्त नहीं हुई। ये सख्त नहीं होने से बैलों से भी हमारी ये ज़मीन उम्दा तैयार हो जाती है।